अलोहा गाइस, क्या आप थक चुके हैं जिम में वर्कआउट कर करके लेकिन फिर भी रिजल्ट्स पाने में नाकामयाब होकर? जानना चाहते हैं क्या कि ऐसा वो कौन सा राज है जिससे आपकी मसल्स बड़ी हो सकती हैं और वो भी काफी जल्दी? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज आप सही जगह पे आए हैं, क्योंकि हम बात करने वाले हैं मसल हाइपरट्रॉफी के बारे में एंड कैसे इसको अचीव किया जा सकता है। इमेजिन कीजिए आपके पास आपकी परफेक्ट बॉडी आ चुकी है जिसके आपने हमेशा से सपने बुने। अब आपकी जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग भी हैं और बड़ी भी। अब आपको लोग, आपके दोस्त, आपके जानने वाले रिश्तेदार सब आपको कह रहे हैं कि वाह भाई, ये ऐसा क्या किया जो आपकी मसल्स इतनी जल्दी बढ़ गई, क्या सपने है ना। होल्ड ऑन, इतना इजी भी नहीं है जितना साउंड कर रहा है। मसल हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है कि आप अपनी मसल का साइज बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। अब ये दो टाइप्स में होता है, फर्स्ट सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी एंड सेकंड मायोफाइब्रियल हाइपरट्रॉफी। हम इस वीडियो में बात करेंगे दोनों ही हाइपरट्रॉफी के बारे में एंड स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी से। सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप अपनी मसल्स का जो फ्लूइड होता है, जिसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं, उसको बढ़ा के अपनी मसल का साइज बढ़ा सकते हैं। बेसिकली आपके मसल फाइबर्स में मायोफाइब्रिल्स मौजूद होते हैं जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा, एंड एट द सेम टाइम इसके अलावा जो भी लिक्विड आपकी मसल फाइबर में मौजूद होता है वो होता है सार्कोप्लाज्म। तो कहने का मतलब, अगर आपका ये लिक्विड को आप बढ़ा पाएंगे, इसकी वॉल्यूम ज्यादा होगी तो उससे आपकी मसल का साइज बड़ा हो जाएगा। लेकिन मसल का साइज बड़ा होने से इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मसल ज्यादा स्ट्रांग भी हो गई है। अब मायोफाइब्रिल हाइपरट्रॉफी में आप अपने मायोफाइब्रिल्स के ऊपर काम करते हैं जिससे कि उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है, एंड क्योंकि वो ज्यादा नंबर में बढ़ने लगते हैं तो आपका मसल का साइज बढ़ जाता है। इसका बेस्ट फायदा ये होता है कि क्योंकि आपके मायोफाइब्रिल्स की डेंसिटी बढ़ रही है तो उससे आपकी जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ेगा एंड आपकी फंक्शनल मसल्स ज्यादा बेटर होगी। So, अब सवाल ये आता है कि आपको कौन सी हाइपरट्रॉफी के लिए एम करना चाहिए। जवाब इसका बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आपको बेसिकली दोनों ही हाइपरट्रॉफी को साथ में लेके चलना है, बिकॉज अगर आप एक बैलेंस लेके आएंगे इन दोनों ही वे ऑफ हाइपरट्रॉफीज में तो उससे आपका साइज पे भी काम होगा एंड एट द सेम टाइम आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि कैसे इनको अचीव करना है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी के लिए आपको लाइटर वेट लेना है एंड उस पे ज्यादा नंबर ऑफ सेट्स और रेप्स लगाने हैं। अनुमान कीजिए कि अगर आप बाइसेप कर्ल्स लगा रहे हैं तो उस पे आपको 4-5 सेट लेने हैं एंड आपका रेप रेंज रहेगा अप्रोक्स 12-16। वहीं मायोफाइब्रिल हाइपरट्रॉफी में इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट आपको करना होता है, जिसमें आप हेवी वेट लेंगे एंड उस पे कम सेट्स और रेप्स लगाएंगे। अनुमान कीजिए आप डेडलिफ्ट कर रहे हैं तो हेवी डेडलिफ्ट पे आपको 3 सेट लेने हैं एंड उसमें आपके जो रिप्स रहेंगे वो रहेंगे 5-8 मैक्स। सो इसी के साथ एंड होता है आज की वीडियो का, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल पे एंड कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन सी हाइपरट्रॉफी आपको ज्यादा कन्वीनियंट और बेटर लगती है आपके गोल के अकॉर्डिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन सी यू, अलोहा।